हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर असाइनमेंट 19 एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट द पैटर्न्स। स्टूडेंट्स, हमें ये पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन ब्लैंक्स में फिल करना है। स्टूडेंट्स, इसमें 30 के बाद 40 छोड़ दिया है, 50 लिखा है, फिर 60 छोड़ दिया, 70 लिखा है, फिर हमें 80 छोड़ देना है, 90 लिखेंगे, फिर 100 छोड़ देना है और 110 आएगा। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। 110 के बाद 120 छोड़ दिया, 130 लिखा है, फिर 140 छोड़ दिया, 150 लिखा है। इट मीन्स ये पैटर्न ठीक है। अब स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि 7 माइनस हो रहा है, इसमें 7 माइनस हो रहा है। 35 में से हम 7 माइनस करेंगे, 28, और 21 में से 7 माइनस करेंगे, 14। आप देख भी सकते हैं बेटा, यहाँ से देखिए उल्टी है, आपको रिवर्स में 7 की टेबल लिखी हुई है। ये 7 × 7 = 14, 7 × 21 = 7 × 28। 7 की टेबल में हम 7 प्लस करते हैं, इसमें माइनस करा हुआ है, यहाँ पे आएगा 28। 21 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए सी। ए के साथ सी लिखा है, बी को छोड़ दिया है। अल्फाबेट अगर हम रीड करें तो ए के बाद बी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सी, ए सी। ठीक है, अब सी को ही नेक्स्ट में कॉपी कर लिया है। सी के बाद क्या आता है, डी। डी को छोड़ दिया है, डी के बाद ई लिखा है। अब ई को सेम कॉपी कर दिया है, ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ को छोड़ दिया, क्या लिखा है, जी। इसी तरीके हम जी को कॉपी करेंगे आगे, जी के बाद क्या आता है, एच। एच को छोड़ देना है, आई लिखेंगे। ठीक है, अब आई को आगे कॉपी करेंगे, आई के बाद क्या आता है, जे। जे को छोड़ देना है, के लिखेंगे। अब के को कॉपी करेंगे, एल को छोड़ देना है, एम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये ए ए बी बी सी सी, तो यहाँ आ जाएगा डी डी ई ई। ठीक है, और बीच में जो नंबर्स हैं उनका अलग पैटर्न चल रहा है, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6। यहाँ पे आएगा सी के बाद आएगा डी, 2 × 3 = 6 है, 2 × 4 = 8 आएगा डी। ई आएगा यहाँ पे, 2 × 4 = 8 यहाँ लिखा था, अब यहाँ आएगा 2 × 5 = 10 और ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें देखिए आप, जीरो में हमने 3 प्लस किया, 3 आ गया, फिर 3 में से 1 माइनस कर दिया है तो 2 आ गया। अब अगेन 2 में 3 प्लस कर दिया है, 5 आ गया। अब 5 में फिर से 1 माइनस कर दिया। आप देखिए एक पैटर्न बन रहा है, एक बार 3 प्लस करना, एक बार 1 माइनस, एक बार 3 प्लस करना, एक बार 1 माइनस। तो अब क्या होगा बेटा, अब 3 प्लस होगा, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आ गया। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 6। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बी सी सी, सी डी डी, डी ई ई, तो अब क्या आएगा, ई एफ एफ, एफ एफ आएगा, एफ जी जी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा हमें ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री लाइन क्या होती है बेटा, किसी भी पिक्चर को हम हाफ में डिवाइड करती है ये सिमेट्री लाइन। आपको कोई भी पिक्चर दी हुई है, आप उसको हाफ में जो लाइन डिवाइड करे, इस लाइन के इस साइड और इस साइड सेम होगा। तो ये हमने सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर रखी है ए की, ये दिस इज द पेंटागन। इसकी इसके यहां जो टॉप पे से सिमेट्री लाइन ड्रॉ होगी, ये आपका पेंसिल बनी है, इसमें यहाँ बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। ये बैलून बना है, इसमें यहाँ से होगी ड्रॉ एंड बी में यहाँ से होगी ड्रॉ। सेम इसी तरीके से आप बुक में भी क्वेश्चन करेंगे, बुक में पिक्चर का पैटर्न है वो करेंगे कंप्लीट और सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।